एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर से बढ़ के और कुछ नहीं होता, और आप सब्सक्राइबर हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल व दिफंक यार में। और आज पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर्स पर दिव्या की दृष्टि दिव्य दृष्टि डालेंगे। यहाँ सिर्फ 8,000 रुपए की टिकट मिल रही है। मैं पूछता हूँ, 8,000 की टिकट मिल रही है, आप 8,000 की टिकट क्यों नहीं ले लेते? हमारे पास 8,000 रुपया होता तो हम दूसरी शादी कर लेता। तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल को न्यूज बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, खुद ही देख लो। और साथ जैम और बटर भी था, और आपने तो लगता है टका के सब कुछ खा लिया होगा। बेटे आप यहाँ पर क्या करने आते हो? मैं यहाँ पर लस्सी पीने आता हूँ। इतने मोटे और अभी भी लस्सी पीते और मोटे हो जाओगे। गाय आ रही है भागती हुई। बना ले एक शॉट मार। कि हम भी ना घुस जाए आगे। और कभी कभी तो न्यूज में ट्विस्ट भी आ जाता है। शहर पेशावर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर जारी है। शहर के बेशतर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, और जहां पर मिल रहा है वहां पर लंबी कतारें जो है शहरियों की जानिब से पेट्रोल लेने के लिए लगी है। कुछ शहरी हमारे साथ है जी, मजमू तौर पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं पेशावर में पेट्रोल पंपों पर? पेशावर में तो बहुत बुरी हालत है, किसी पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिल रहा। मैं जो हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई। और पाकिस्तान में गलती से आपने किसी आंटी को आंटी बोल दिया तो समझ लो आपकी शामत आने वाली है। क्या हाल है आपका? ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा आंटी, आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज है जो धूप में नहीं सूखती? ये आंटी किसको बोल रहा है? आपको क्यों नहीं? मुझे क्यों आंटी बोला है आपने? तो मैं क्या बोलूं आपको? जो भी बोले, बाजार में खड़े हो गए। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, अभी मेरी एंगेजमेंट हुई है, तो आप मुझे आंटी बोल रही। चले मैं आपको फिर बाजी बोल देती हूँ। नहीं बुरा लगता है ना, इस तरह बाजार में खड़े हो गए आप मुझे आंटी कह रही, क्यों कह रही है? तो आप बाजार में बुरा लगता है, इस तरह कोई और होता तो मैं उसका मार मार के उसका हशरा खराब कर देती। जो आप चले, आप मुझे जो कहती है आपको वो कह दे। नहीं नहीं, वो कहें आप कहें क्यों मुझे? आप किसी और का इंटरव्यू लो, कोई जरा ढीली सी हो रहा। तो मैं तो मार देने वाली भी हूँ। आप ये कैमरा है वरना मैं आपकी पिटाई कर देती। लेकिन देखिए मैं आपको रिस्पेक्ट से कह रही हूँ ना आंटी, वरना मैं आपको बेटा तो नहीं कह सकती ना कि बेटा आप मेरी बात सुन। आप मेरे से 2-3 साल ही छोटी होंगी ना, और कितने साल होंगी? लेकिन मैं आपको बेटा तो नहीं कह सकती ना, आप कहती हूँ मैं आपको बेटा कह देती हूँ। बेटा कहने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मेरे से 2-3 साल छोटी होंगी, आप मुझे आंटी कह रही, क्या मेरी हेल्थ से कह रही है? नहीं माशाल्लाह आप स्मार्ट है, इसलिए नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं आपको आंटी कह दूँ आपके साथ कितना बुरा लगेगा? आप कह दें अगर आप किसी में कुछ कह दें, क्यों कह दें? अब मैं इस तरह लड़ने वाली तो हूँ कोई नहीं, कि मैं भी लड़ाई करके तो आपको छोटा कर दूँ, खुद बड़ी हो जाऊँ या बड़ी हो जाए या छोटी। अभी तो मेरी एंगेजमेंट हुई। और ये रिपोर्टर्स कभी कभी कानून भी अपने हाथ में ले लेते हैं। मास्क नहीं पाया, मास्क पा। और कभी कभी आवाम का पैगाम सुनना भी अपने आप में एक कला है। पता नहीं आपको क्या सुनने को मिल जाए। सही, इस मुल्क में रहे, ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोछती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को? वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडे साफ करने भी है। और जब पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को न्यूज नहीं मिलता है तो गिदर भपकी पर उतर आते हैं। भारत के मीडिया को बता देना चाहते हैं, ये तोबा तोबा का मुकाम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से, डरो पाकिस्तान से, डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के एटमी हथियार हरकत में आएंगे। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इनके आका भी इन्हीं के जवान बोलते हैं। हमारे पास हर साइज का मसाला है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है, हमारे पास हर तरह का मसाला है, आप आए सही। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये सारा ए प्लस बी है, ठीक होगा इंशाल्लाह। ए प्लस बी समझती है ना जी? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये 8वीं में मैंने पढ़ा था। लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाओ आधा पाओ का भी बम है। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये गरम मसाले की बात कर रहा था या दिवाली के पटाखे के बारे में। और इनके आका जो ठीक से एक डायलॉग नहीं बोल सकते, उनको कश्मीर चाहिए। 3 लाख पूरा चाहिए।
मुद्दई लाख पूरा चाहे कुछ नहीं होता, वही होता है जो खुद वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। और हद तो तब हो जाती है जब ये अपने नकली डिग्री का बचाव कुछ इस तरह करते। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। Wait a minute. बस यारो आज के वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो वो जो लाल कलर का बटन है उस पर आप मसाला फेंको या बॉम्ब फोड़ो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अरे कर दो यार। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार।